मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं एलिबेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का आठवां पाठ बंदर बांट, ये एक छोटी सी कहानी है। बंदर और बिलियन के बीच में एक कहानी है, वो कहानी यहाँ पे बताई गई। यानी दो जनों के बीच में झगड़ा हुआ तो तीसरा किस तरीके से इंसाफ कर, ये यहाँ पे बताया गया। तो इसके ये कहानी जो लिखे हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है उनके पिताजी, वही है हरिवंश राय बच्चन। अब अपन ये पार्ट में पहले ये एक ड्रामे के ऐसा अपने को बताया जा रहा है, ये ड्रामा क्या है, यहाँ पे स्थान क्या है और कौन कौन है, उसके पत्रकार कौन है, यानी पात्र क्या है, यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे पहले अपने को स्थान ले लिया गया यानी प्लेस ले लिया गया, तो ये खुली जगह, एक बड़ा कमरा, एक बड़े कमरे में खुली जगह है। और इसमें पात्र यानी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, वो तो एक बंदर और दो बिल्लियाँ, एक बंदर है और दो बिल्लियाँ हैं। ये बंदर और बिल्लियों का कैरेक्टर, 7-8 बरस का लड़का बंदर बना और 5-6 बरस के लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है यहाँ पे, ये कैरेक्टर में। और बंदर के लिए पोशाक यानी ड्रेस क्या दिया गया, वो तो पीला चूड़ीदार पैजामा, कुर्ती और दुपट्टा, जो कमर में पूंछ सी निकाल के बांधा जा सकता है। ये दुपट्टा ऐसा है, बंदर के जो पूंछ रहती है उसके ऐसा बांधे जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुँह की जगह छेद है, यानी मास्क, बंदर के ऐसा यहाँ पे मास्क पहनाया गया। और बिल्लियों के लिए क्या ड्रेसिंग है, काली सफ़ेद सलवारें और कमीज और दो दुपट्टे, जैसे कि इसमें से भी कमर के पीछे से पूंछ आने के लिए, पूंछ निकलना है इसलिए बोल के ये दुपट्टे दिए गए। और मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे यानी मास्क, एक काला एक सफ़ेद मास्क, और आँखों और मुंह चलने के लिए, यहाँ पे तो मास्क के लिए जो खुली जगह रहती है वैसा खुली जगह है यानी छेद बने हुआ है। और यहाँ पे सामान क्या क्या लिया, सामान है एक मेज़ यानी टेबल एक है, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर यानी टेबल ढापने के लिए एक बड़ा चादर है, और डबल रोटी है, और एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू, एक डबल रोटी का टुकड़ा है और एक छोटी सी तराजू है, ये चीज़ों को यहाँ पे लिया गया। ये कहानी अब क्या है, ये एक ड्रामे के ऐसा यानी बंदर और बिल्लियों के बीच में क्या झगड़ा हुआ, तो ये कहानी है। ये कहानी एक बच्चा और दो बच्चियाँ मिलकर एक नाटक करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा। अब कहानी में जाएंगे किस तरीके से है ये कहानी, असल कहानी क्या है यहाँ पे अपने को अब पता चलता, लेकिन कैरेक्टर्स इन लोग हैं, असल में कहानी बिल्ली और बंदर की है। अब देखेंगे पहला दृश्य, एक कमरे में, कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ठका है। कमरे के बीच में एक मेज़ रखे हुआ है, उसके ऊपर एक चादर उड़े हुआ है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है, मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। मेज़ के ऊपर एक डबल रोटी का टुकड़ा है लेकिन मेज़ के नीचे एक तराजू भी रखे हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे बिल्ली एंट्री मार रही, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होते हुए, और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। एक तरफ से सीधे हाथ से एक बिल्ली, दायां हाथ से एक बिल्ली, यानी इधर तरफ एक इधर तरफ एक, दो बिल्लियां अंदर म्याऊं म्याऊं बोले थे आ रही। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते, ये काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को बोल रही नमस्ते, सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते, अब उसका रिप्लाई दे दिया नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो, आप अच्छे हैं क्या,
सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। मैं अच्छी क्या हूँ, खाली भूखी हूँ मैं, बल्कि सफेद बिल्ली काली बिल्ली से बोल रही। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। काली बिल्ली बोल रही, मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली, खाने का कुछ ढूंढ रही हूँ, खाने के लिए मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। काली बिल्ली बोल रही, मेरे को भी भूख लग रही, उसके खोज में मैं निकली बाहर। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, मेरे को रोटी की खुशबू आ रही, महक यानी खुशबू, रोटी की खुशबू आ रही। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक में बताती है, पास कहीं है। हाँ मेरी नाक में भी ये खुशबू आ रही, ये आसपास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, वो मेज के ऊपर रखी हुई है रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो, एकदम वहाँ पे झपटा मार के ले लूँ क्या, कोई नहीं आए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली, तू तो डरेवीर है, मैं तो ले लेती हूँ। बल्कि काली बिल्ली आगे बढ़ी। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेके भागने लगती है। काली बिल्ली क्या है, फौरन वो रोटी के ऊपर एक झपटा मारती है और रोटी ले लेती, वहाँ से भाग जाती। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेके, रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, कहाँ भाग रही तू, रोटी लेके कहाँ भाग रही, वो रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोल, ये रोटी तेरी बोल के कैसा बोल रही तू, ये तो मेरी रोटी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती, अगर से मैं ये रोटी नहीं दिखाती तो तू जाती थी क्या। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, अच्छा मैं नहीं देख सकती थी क्या, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, मेरे पास दो आंखें नहीं है क्या। डरती थी उस तक जाने में, जो डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी। पहले तो डरती थी वहाँ तक जाने के लिए, डरती थी डरपोक कहीं की, यहाँ से भाग, ये रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोल रही, ये रोटी मेरी है, तू तो डर के भाग रही थी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कह दे रही हूँ मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, ये रोटी तो मेरी है, तुझे ले जाने के लिए मैं नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली बोल रही, हट यहाँ से, हट जा राह यानी मेरे रास्ते से, हट जा यहाँ से, चले जा, नहीं तो तुझे नहीं जाने, मैं यहाँ से चले जाऊँगी, ये रोटी लेके जाऊँगी लेकिन तुझे नहीं दूँगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूँ कैसे ले जाती है। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, मैं देखूँ तो कैसे लेके जाती, जो पहले देखे हक उसका ही रोटी पर, जो पहले जो देखता उसका ही हक होगा ना रोटी के पर, तू कैसा लेके जाती बता। काली बिल्ली, पहले दौड़ दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर। काली बिल्ली बोल रही, जो पहले दौड़ दौड़ के उसके पर जाके रोटी ले लेके आती उसका हक ही है ना, पहले उसका हक रहेगा, पहले रोटी पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के जाके उसके पर झपटा मार के लेके आई, तो पहला हक मेरा है। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, नहीं मेरी है ये रोटी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, फिर काली बिल्ली भी वही बोल रही कि ये रोटी मेरी है। दोनों झगड़ते हैं, रोटी मेरी रोटी मेरी, रोटी मेरी रोटी मेरी, बल्कि कह के एक दूसरे के ऊपर लड़ लेते हुए रहते। इतने में बंदर एंट्री मारता। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। बंदर पूछ रहे, तुम दोनों क्यों लड़ ले रही, तुम कहती है रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम्हें कहती है रोटी मेरी काली बिल्ली से, तुम दोनों लड़ ले रही। काली बिल्ली बोल रही, मेरी है रोटी, सफ़ेद बिल्ली बोल रही मेरी है रोटी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ, चलो मैं आप दोनों का फैसला करूँगा, कचहरी में जाएंगे, यानी एक जगह जाएंगे अपन तस्वीर करने के लिए बैठेंगे, चलो अपन दोनों जाएंगे। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेके चलता है, दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। यहाँ पे बंदर क्या करता है, ये दोनों के
जिसके हाथ में रोटी है वो रोटी इसके हाथ में ले लेता और ये दो उन आगे जाता, दोनों बिल्लियाँ पीछे जाता। ये तो पहला दृश्य था, यानी रोटी लेने के लिए। अब ये बंटवारा कैसा हो रहा, रोटी आखिर किसको मिलती, काली बिल्ली या सफ़ेद बिल्ली, या ये दोनों को ना हो के बंदर को मिलती। अब यहाँ पे देखेंगे अपन तस्वीरें क्या है। यहाँ पे अब सेकंड दृश्य में आएंगे, यानी पहले दृश्य में रोटी का हो गया, अब सेकंड दृश्य में तस्वीरें। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखता है और दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं, जैसे कि कोर्ट में जज के पास इधर उधर ठहरे हुए रहते, बीच में टेबल है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। बंदर बोल रहा सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोल दो। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। सफ़ेद बिल्ली बोल रही, श्रीमान यानी बंदर को एक बड़ा जज का ऐसा बना के बोल रहे हैं, पहले ये रोटी मैं देखी तो इसलिए हक पूरा मेरा है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुम क्या कहना है। अब इसका तो बोलना हो गया कि रोटी का हक मेरा है क्योंकि पहले मैं देखी। अब काली बिल्ली से पूछी तो काली बिल्ली क्या बोल रही, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। पहले तो झपटा मैं मारी थी रोटी के पर, इसलिए पूरा हक मेरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, ये आँख से देखी थी या दो आँखों से। अब बंदर देखिए सफ़ेद बिल्ली से पूछ रहा, तो ये आँख से देखी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली का जवाब आ रहा, दो आँखों से देखी और दोनों आँखों से देखी। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। अब काली बिल्ली से पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो दोनों आँखों से देखे, अब तुम एक टांग से झपटा मारे थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। काली बिल्ली बोल रही, दो टांगों से मारी थी, दोनों टांगों से झपटा मारी थी। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, ये तुम दोनों का गवाह भी था। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। दोनों बिल्लियाँ बोल रहे हैं, कहीं ना कोई और कोई ना कहीं। अब दोनों बिल्लियों से, कहीं ना कोई, कहीं ना कहीं। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कहीं ना कहीं, यानी कोई ना कोई। बंदर, बात बराबर, बात बराबर है। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ के तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर बोल रहा, बात तो बराबर है, उन्होंने दोनों आँखों से देखे और दोनों टांगों से झपटे, इसका फैसला मैं करना है। रोटी तोड़ के दोनों को आधी आधी बराबर देना है और मेरे पास धर्म कांटा भी है, यानी तराजू भी रखे हुआ है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दोनों हिस्सों में तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रखते हैं और उठाते हैं। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर, यानी तराजू के दो पलड़ों में से रोटी दो आधी आधी करके डालते हैं। एक तरफ ज़्यादा गई, एक तरफ कम गई, एक तरफ ज़्यादा वज़न जा रहा, एक तरफ कम वज़न जा रहा। अब उस क्या हो रहा देखेंगे। बंदर बोल रहा, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, एक बाजू का टुकड़ा तो बहुत भारी निकल गया, इसमें से यानी जहाँ से जहाँ पे भी भारी पड़ा उसमें से थोड़ा खा के हल्का कर दूँ, थोड़ा खा ले के बराबर कर दूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। अब फिर तराजू उठाता, थोड़ी रोटी खा लेता, खा लेने के बाद फिर पलड़ा उठाने के बाद, तराजू उठाने के बाद एक तरफ फिर ऊपर नीचे हो रहा। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसका थोड़ा खा कर हल्का कर दूँ। अब ये बाजू का ज़्यादा वजन है, ये बाजू ऊपर जा रहा है, ये बाजू नीचे जा रहा, अब इसमें का थोड़ा खा के मैं हल्का कर दूँ, फिर दोनों बराबर कर दूँ। फिर तराजू उठाता, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर, अब ये बाजू का नीचे और ये बाजू का ऊपर। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खाटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हैं। अब ये बाजू का टुकड़ा बहुत भारी निकल गया, टुकड़े भी देखो कितने खाटे हैं, एक दूसरे को छोटा बताने के लिए, यानी एक दूसरे को लड़ाने के लिए आगे पीछे निकल जा रहे हैं, यानी एक तरफ वजन हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा।
मुंह थक गया बराबर करते करते, मैं तराजू उठा उठा के हाथ थक गया, और ये दोनों को भी बराबर करते करते मेरा मुंह भी थक गया और तराजू उठाते उठाते हाथ भी थक गए। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। अब ये बिल्लियों को ये बंदर क्या चालाकी कर रहा पता तो चल गया। हाथ मलते हुए बड़ी उदासी से एक दूसरों को देख लेते हुए रहते हैं। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाऊं और तराजू, आप तो बहुत थक गए, अब ना उठाओ और ना तराजू। काली बिल्ली, बची कुची जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे, जो भी बची कुची है वो हमको दे दो, हम दोनों आपस में बांट लेके खाते हैं। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े के जड़ को ही काट देता हूँ, बची कुची भी खा लेता हूँ। बंदर बोल रहा, नहीं नहीं फिर तुम दोनों लड़ लेंगे, फिर दोनों को फिर अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए बची कुची जो भी है वो भी मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा लेता और तराजू लेके भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ, अब ये दोनों बिल्लियाँ क्या करते हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। ये दो जने आपस में लड़ ले रहे थे लेकिन इन लोगों की अकल छोटी थी। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़प्पा रोटी। अब हम दोनों पछता लिए तो क्या होता, बंदर तो रोटी खा लेके गया। ये थी कहानी। यहाँ पे देखिए, मिली एक को रोटी, देखे एक झपटे एक खाए एक, यानी दोनों के झगड़े के बीच में तीसरा बिल्कुल फ़ायदा उठाया। इसलिए कुछ भी रहा तो दोनों के बीच में आपस में समझौता होना है, लेकिन दूसरों को अगर से इसमें शामिल किए तो फ़ायदा तीसरे का है, ये पहले और दूसरे मुंह देखना पड़ेगा। ये थी कहानी, आज के लिए ये पाठ यहाँ पर समाप्त।